दोस्तों आज का अपना सफर है गढ़मुक्तेश्वर की तरफ को। गढ़मुक्तेश्वर भी क्यों, क्योंकि वहां पर मिलने वाली है एक अपडेट। तो मैं दूंगा आज आपको अपडेट मुरादाबाद कावड़ यात्रा 2023 के लिए जो जाती है गढ़मुक्तेश्वर से मुरादाबाद की साइड। तो ये खड़ा एक तरह से लावारिस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है और सारे नहाते हुए तो एक जैसे लगते हैं। बड़ा दिक्कत आ जाती है अगर कोई गंगा जी में डुबकी लगाने चला जाए और गायब हो जाए ना। तो यार ऋतिक बेटा, इसकी पूजा करा देते हैं। तो जब कावड़ यात्रा 2023 जो आपका गढ़मुक्तेश्वर मुरादाबाद की तरफ को चलती है, तब यहाँ पर आपको कावड़ियों पर रश दिखाई देगा, और ऐसा ही रश दिखाई देगा जैसे आपका हरिद्वार के घंटाघर पे दिखाई देता है। तो बने रहना दोस्तों आप लोग भी पूर्ण आहुति के साथ। जितना अपने यहाँ से दान पुण्य किया जाता वो भी यहाँ पर भक्त जो आते वो लोग करते रहते हैं। यह गंगा जी, तो ये वो स्टेयर्स हैं जहाँ से जल भर करके सारे कावड़िए यहाँ से आएंगे ऊपर, वहाँ से जल भरा जाएगा और अपना यहाँ से आने के बाद इधर से रोड क्रॉस करके सब लोग मुरादाबाद की तरफ को पढ़ चले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना, और मस्त होने भी चाहिए दोस्तों। दोस्तों आज का अपना सफर है गढ़मुक्तेश्वर की तरफ को। गढ़मुक्तेश्वर भी क्यों, क्योंकि वहां पर मिलने वाली एक अपडेट। तो मैं दूंगा आज आपको अपडेट मुरादाबाद कावड़ यात्रा 2023 के लिए जो जाती है गढ़मुक्तेश्वर से मुरादाबाद की साइड को। तो मैं पहुँचने वाला हूँ गढ़मुक्तेश्वर, और अगर मैं सामने की बात करूँ ना तो सामने ही दिख जाता है टोल प्लाजा। तो कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं टोल प्लाजा, और टोल प्लाजा पर अपना टोल नहीं लगेगा क्योंकि अपने साथ है हाथी, और हाथी निकल जाएगा साइड से। टिंग डिंग 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 टिंग टिंग डिंग। तो दोस्तों ये वाला जो टोल है इस पे कावड़िए तब दिखाई देते हैं जब सर्दी की जो शिवरात्रि आती है ना, सर्दी वाली महाशिवरात्रि जिसको बोलते हैं, तो इस पे कावड़िए तब दिखाई देते हैं वो जल भर गए मेरठ की तरफ को आते हैं। तो यहाँ पर रश तब दिखाई देता है। और अगर हम लोग बात करें सामने की दोस्तों, ये जा रही है ट्रेन, और ये काफ़ी रश वाला रूट है क्योंकि ये लखनऊ वाला रूट है, हापुड़ गाज़ियाबाद टू लखनऊ। तो दोस्तों यहाँ पर खड़ा कर दिया हमने अपने हाथी को, और अगर मैं बात करूँ यहाँ की तो ये खड़ा एक तरह से लावारिस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है और यहाँ पर पार्किंग ठेकेदार भी नहीं है, तो ये ऐसे ही खड़ी है सब लोगों की, तो हमने भी यहाँ पर ऐसे ही खड़ी कर दी है। तो अभी हम लोग चलेंगे घाट पर, और सबसे पहले नहाएंगे घाट पर, और दोस्तों निकली आज सूरज। मैं थोड़ा सा अगर अपनी बात करूं दोस्तों तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया पहुंचने, मुझे यहां पर आने में और जल्दी आ जाना चाहिए था। तो सबसे पहले चलते हैं घाट पर, सबसे पहले करेंगे स्नान, और उसके बाद मैं देता हूं आपको अपडेट। तो हम पहुँच चुके हैं घाट पर, अब यहाँ पर करेंगे हम स्नान, गंगा स्नान। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं घाट पर, और ऋतिक गया है अभी गंगा स्नान करने, गंगा जी में लगाने डुबकी। किधर गया यार वो, किधर 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 है अरे, किधर गया वो यार। सारे नहाते हुए तो एक जैसे लगते हैं, बड़ा दिक्कत आ जाती है अगर कोई गंगा जी में डुबकी लगाने चला जाए और गायब हो जाए ना, फिर दिखता नहीं है। वो तो गनीमत है कि आज यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम है, जबकि आज स्नान है। बोरा 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 दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, आ रहा वो। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू हो चुके सुबह सुबह की आरती, हमारे नसीब है कि हम टाइम से आ चुके थे, हमारा स्नान भी हो गया है, और अब हम आरती लेने के बाद यहाँ से फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ, बने रहना दोस्तों आप। यहाँ पर देख सकते हैं आप जगह जगह पूजा होते हुए सभी लोग, ऐसे ही मैंने वहाँ ऋतिक बैठा। तो यार ऋतिक बैठा, इसकी पूजा करा देते हैं। तो ये पूरी मंडली होती है, पूरे पंडित जी का एरिया होता है, जो जगह जगह बैठ के आप लोगों के पूजा के लिए होता। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आम श्रद्धालु हैं जो स्नान करने आए, गंगा स्नान करने आए, और जब कावड़ यात्रा 2023 जो आपका गढ़मुक्तेश्वर मुरादाबाद की तरफ को चलती है, तब यहाँ पर आपको कावड़ियों पर रश दिखाई देगा, और ऐसा ही रश दिखाई देगा जैसे आपका हरिद्वार के घंटाघर पे दिखाई देता है, तो ऐसे ही यहाँ पर दिखाई देगा।
तो दोस्तों बने रहना बस कुछ और पल, और स्किप मत करना वीडियो को, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी यहाँ पर घाट भी और यहाँ पर कावड़ यात्रा की जो अपडेट होगी उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर मैं देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने गंगा जी, और सामने गंगा जी के अंदर सूर्य की परछाई भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आए थे अपडेट लेने, तो यहीं पर एक हमारे जानकार बोले, कह रहे राकेश जी बड़े शुभ मुहूर्त पर आए हो, हाँ गंगा जी में स्नान भी करो और अगर हो सके तो एक छोटा सा हवन भी करा लो। तो हमारे रेडी करा लो करा लो करा लो। तो हमने यहाँ पर हवन कराने के लिए एक पंडित जी से बात करी और वो मान गए। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा हवन करा रहे हैं, तो बने रहना दोस्तों आप लोग भी पूर्ण आहुति के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दान पुण्य, जितना अपने हाथ से दान पुण्य किया जाता वो भी यहाँ पर भक्त जो आते वो लोग करते रहते हैं। और मैं अगर अपनी बात बताऊँ यहाँ करके, तो आने वाली 23 तारीख से लेकर के और 27-28 तारीख तक यहाँ पर चमावड़ा रहने वाला कावड़ी होगा, और ये वो पोर्शन है जहाँ से मैंने लास्ट ईयर भी आपको कावड़ यात्रा दिखानी शुरू कर दी, मुक्तेश्वर मुरादाबाद यहीं से स्टार्टिंग से आपको दिखानी शुरू करी थी मैंने यात्रा। और ये है गंगा जी, आप देख सकते हैं पूरी यहां से जल भरा जाएगा दोस्तों, और नीचे गंगा जी में से ये आपका ब्रज घाट यहां पर है, और यहां से गंगा जल भरा जाएगा इन स्टेयर्स से, जो उधर से स्टेयर्स आ रही है इनसे ऊपर आया जाएगा। ये वो स्टेयर्स हैं जहाँ से जल भर करके सारे कावड़िए यहाँ से आएंगे ऊपर, वहाँ से जल भरा जाएगा और अपना यहाँ से आने के बाद इधर से रोड क्रॉस करके सब लोग मुरादाबाद की तरफ को पड़ चलेंगे। तो चलिए हम भी चलते हैं, अपना हाथी उधर पार्क है वहाँ पर चलते हैं। दोस्तों कुछ ही समय की बात है और कावड़ यात्रा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, तो समझता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय।